उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों को आर्थिक सहायता के तौर पर मानदेय देने की पूरी तैयारी कर ली है। सीएम योगी जल्द ही प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों को मानदेय देगी। इसके योजना के तहत 60 साल से ज़्यादा उम्र के पुरोहितों को इसका लाभ मिलेगा। उनको राशन सुविधा और हेल्थ कार्ड का लाभ भी दिया जाएगा। इस पूरी योजना की तैयारी प्रदेश सरकार के धर्मांतर कार्य विभाग की ओर से की गई है। विभाग ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए एक केंद्रित पोर्टल बनाया गया है, जिसमें देश के सभी प्रमुख मंदिर और प्राचीन धर्म स्थलों जानकारी होगी। इसके साथ ही इस पोर्टल पर उक्त मंदिर या धार्मिक स्थल के प्राचीन महत्व और पौराणिकता की जानकारी होगी। पुजारियों और पुरोहितों को मानदेय देगी सरकार। यूपी के मंदिरों में पुजारियों और पुरोहितों को मानदेय की योजना में बड़ी संख्या में उन्हें फायदा होगा। इन्हें मानदेय के साथ ही स्वास्थ्य और राशन की भी सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत सनातन से जुड़े दूसरे पंथों जैन और सिखों को भी शामिल किया गया है। सीएम योगी ने योजना पर मंथन कर इस पर जल्द से जल्द इसे बढ़ाने का निर्देश दिया है। योगी सरकार लगातार मंदिर के जीर्णोद्वारा और उनके पुनर्निर्माण पर जोर दे रही है। प्रदेश में बड़ी संख्या में पुजारी और रोहित रहते हैं। यही नहीं, पिछले कुछ समय से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन में भी बढ़ोतरी हो रही है। जिन भी पुरोहित को इसका फायदा मिलेगा, उसकी सारी जानकारी सरकार के इस पोर्टल में होगी। एक क्लिक पर उनका पूरा डेटा सामने आ जाएगा। योगी सरकार ने पहले ही इस योजना का ऐलान कर दिया था और इसे लागू करने की तैयारी कर ली गई है। जल्द ही पुरोहित और पुजारियों को ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर डेस्क रिपोर्ट।